फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं वेज लॉलीपॉप। वेज लॉलीपॉप लाइव हिस्ट्री में बहुत सारे लोगों ने डिमांड की थी कि मैं वेज लॉलीपॉप की रेसिपी लाऊं, तो आज मैं उन्हीं की डिमांड को पूरा करते हुए वेज लॉलीपॉप की रेसिपी लेकर आई हूं। इसके लिए हमें सारे वेजिटेबल्स लेने हैं, जितने भी घर पे आपके अवेलेबल हों, चाहे वो पत्ता गोभी हो, फूल गोभी हो, शिमला मिर्च हो, बीन्स हो, आलू हो, गाजर हो, प्याज हो, इस तरह की सब्जियां जो भी हो, सभी सब्जियों को धोकर काट कर ले लेना है। इसके बाद चॉपिंग मशीन के सहायता से आपको सारी सब्जियों को बारीक बारीक चॉप कर लेना है, या फिर आपके पास फूड प्रोसेसर हो तो आप उसमें डालकर सारी सब्जियों को चॉप कर लीजिए। तो मैं सारे सब्जियों को चॉप कर लेती हूँ। इसके बाद आपको सारे सब्जियों को एक बोल में लेना है, एक बड़े बोल में लेना है, ताकि आप अच्छे से मिक्स कर सकें। और इसके बाद हम इसमें लहसुन, मिर्च और अदरक का पेस्ट लेंगे। थोड़ा सा पेस्ट को मोटा रखेंगे ताकि आसानी से ये मिक्स हो जाए इसमें, और ये टेस्ट में अच्छा लगता है, बीच बीच में खाते टाइम जब मिलता है तो सारी सब्जियों के साथ लहसुन मिर्च को भी थोड़ा चॉप करके ही ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर थोड़ा मोटा पीस लें। और इसके बाद आपको इसमें डालना है 1 चम्मच आमचूर पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, और अगर आप आमचूर पाउडर नहीं है आपके पास तो आमचूर पाउडर के जगह पर आप इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद सारी सब्जियों को मिक्स करना है। इसके बाद हमें इसमें थोड़ा सा मैदा ऐड करना है। मैदा हम बाद में ऐड करेंगे, पहले हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, इसके बाद हम मैदा लेंगे। अगर मैदा आपके पास नहीं है तो इसके जगह पे आप बेसन को भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 चम्मच नमक डाल देंगे इसको स्वाद के लिए। और इसके बाद नमक डालने के बाद हम मैदा को थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एक एक चम्मच, दो दो चम्मच डालेंगे, ताकि हम इसे सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर पाएँ। और सब्जियों को मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा मैदा डालना है, ताकि सब्जियों में बहुत सारा पानी होता है तो सब्जियों को हम फ्राई नहीं कर सकते, तो मैदा को हमें इतना ही डालना है जितना में ये अच्छे से हम गोले बना सके इसके। तो बस हाथों से आपको अच्छे से मिक्स करना है, और फिर थोड़े थोड़े गोले बना कर देखना है कि गोला बन रहा है या नहीं। अगर नहीं बन रहा है तो 2 चम्मच और डाल दीजिए मैदा को, और इसी तरह आपको सभी सब्जियों को मिक्स करना है। और चम्मच के मदद से आप मैदा को डालें ताकि बहुत ज़्यादा ना हो। लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे लोगों ने वेज लॉलीपॉप की डिमांड की थी, तो आज मैं उन्हीं की डिमांड को पूरा करते हुए ये वेज लॉलीपॉप की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बनाना भी आसान है और खाने में भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो चम्मच की मदद से हम इसमें मैदा डालेंगे ताकि मैदा ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। हम सब्जियों को मिलाते जाएंगे हाथों से और देखते जाएंगे कि गोले बन रहे हैं या नहीं। अगर गोले बनना शुरू हो गए हैं हाथों से, आप देखिए गोले बन रहे हैं, तो आपको और मैदा डालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर थोड़ा गीला लग रहा है, क्योंकि सब्जियों में बहुत सारा पानी होता है, तो अगर गीला लग रहा है तो आप 2 चम्मच और मैदा डाल सकते हैं। इसी तरह से हमें सभी को अच्छे से तैयार करना है और हाथों से गोले बनाकर देखने हैं। आप देख सकते हैं गोले बन रहे हैं। अगर आपको गीला लग रहा है तो 1 चम्मच और मैदा डाल दीजिए, ताकि ये अच्छे से गोले बनाए जा सके। और अगर नहीं लग रहा है गीला तो आप बंद कर दीजिए, मैदा और मत डालिएगा। तो इसी तरह हम देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा हम इसमें मैदा और डाल देंगे, ताकि ये अच्छे से गोले बन जाए। थोड़ा सा गीला लगे तो आप चेक कर लीजिए हाथ से, और गीला लगे तो आप थोड़ा मैदा डाल ही दीजिए, क्योंकि ये जब हम तेल में इसे फ्राई करेंगे तो ये टूटने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो क्योंकि इसमें सारी सब्जियां हैं और सब्जियां पिसी हुई नहीं हैं, चॉप हैं, तो इतना मैदा मेरा बच गया है, तो मैदा को हम साइड कर लेते हैं। और अब हम चलते हैं गैस की ओर। तो हम अब इसके छोटे छोटे गोले बनाएंगे और तेल में फ्राई करेंगे। आप इसे तंदूर में भी बना सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। यदि आपने मुझे अभी तक खबरी पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ का कंटेंट बिल्कुल अलग होता है, तो लिंक से जाइए, देखिए, सुनिए। अगर आपको वहाँ का कंटेंट पसंद आता है तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। आप चाहे तो तेल में भी बना सकते हैं, तेल में फ्राई कर सकते हैं छोटे छोटे गोले लेकर।
तेल को मीडियम फ्लेम पर गर्म कीजिए और इसके बाद तेल को लो कर दीजिए ताकि धीरे धीरे क्रिस्पी फ्राई हो, सारी सब्जियां अच्छे से पक जाएं अंदर तक। आप चाहे तो इस लॉलीपॉप को आप माइक्रोवेव में भी पका सकते हैं, लेकिन तेल में फ्राई करने से क्या होता है कि ये जल्दी पकता है और खाने में ये क्रिस्पी लगता है। तो आपकी मर्जी है, अगर आप तेल में फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो आप ओवन में भी बना सकते हैं, या फिर आपके पास तंदूर है तो उसमें भी बना सकते हैं। दोनों ही तरीके से अच्छी लगती है खाने में। ये डिश ऐसी है कि आप इसे कभी भी बनाकर खा सकते हैं, चाहे नाश्ते में बनाना हो तब भी बना सकते हैं, या फिर शाम के चाय के साथ बनाना हो तब भी बना सकते हैं। दोनों ही तरीके से ये बहुत ही अच्छा लगता है। या फिर अगर आपके पास कोई आपके घर पे मेहमान आ गए हैं अचानक और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बनाएं, तो इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं। सभी को ये रेसिपी बहुत पसंद आता है। जब ये एक तरफ अच्छे से फ्राई हो जाए, जैसे कि आपको इसका कलर चेंज होता दिखे, थोड़ा सा ब्राउन जैसा दिखे, तब आप इसे पलट सकते हैं ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना सुंदर लग रहा है देखने में, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। जब भी आप मेहमान को भी बनाकर सर्व करेंगे तो आपकी बहुत आपको तारीफ मिलेगी। ये रेसिपी बहुत अच्छी लगती है और इसीलिए सभी लोगों ने मुझसे वेज लॉलीपॉप की रेसिपी बनाने को कहा था। तो आज मैं उन्हीं की डिमांड से लाइव स्ट्रीम में, जब मैं लाइव स्ट्रीम में आती हूँ तो बहुत सारे लोग मुझसे ये डिमांड करते हैं, तो आज उन्हीं की डिमांड को पूरा करते हुए मैं ये रेसिपी लेकर आ रही हूँ। आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर इसका कलर हो गया है। तो जिस लॉलीपॉप का कलर डार्क ब्राउन हो रहा है, आप उसे निकालते जाइए और दूसरे बैच आप इसमें डालते जाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लॉलीपॉप कम समय में तैयार हो। तो देखिए, एक बार मैंने निकाल लिया है, अब मैं दूसरी बैच को भी डालूंगी। एक तरफ तेल खाली है तो उस जगह पर हम छोटे छोटे गोले डालकर उस तरफ को भी फ्राई करेंगे। पूरे कढ़ाई में ये फ्राई हो सकता है अच्छे से, और कम समय में ये ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जा सकता है। चाहे जितने भी मेहमान आए हों, सिर्फ सब्जियों को चॉप करने में जितना टाइम लगता है उतना ही आपको टाइम लगता है, नहीं तो ये फ्राई करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। ये कम समय में ही बनता है और टेस्टी क्रिस्पी, ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी होता है, अंदर से ये सॉफ्ट होता है, और आप गरम गरम खाएंगे तो ये बहुत अच्छा लगता है। इसे आप सॉस के साथ, चटनी के साथ सर्व कीजिए, बहुत मज़ा आएगा और आपको भी बहुत सारी तारीफें मिलेगी, और इसके साथ चाय बनाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। मेहमानों को चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सारी ये लॉलीपॉप बनकर तैयार है। इसी तरह आपको दूसरे बैच, तीसरे बैच करके फ्राई करते जाना है सभी को, और बस कलर का ध्यान रखना है और बिल्कुल लो फ्लेम पर आपको इसे फ्राई करना है ताकि इसका कलर बहुत ही अच्छा आए। और ये लॉलीपॉप खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसे इस तरफ से भी खा सकते हैं, या फिर आप इसे टूथपिक के साथ आप डालकर सर्व कर सकते हैं ताकि खाने में ये टेस्टी लगे। तो सारी मैंने फ्राई कर ली है और अभी आप इस तरह सॉस के साथ, ग्रीन चटनी के साथ सर्व कीजिए, या टूथपिक डालकर भी आप सर्व कर सकते हैं इस तरह से, और बस एक उठाइए और इस तरह सॉस के साथ सर्व कीजिए, बहुत मज़ा आता है खाने में। तो मिलती हूँ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में इजी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।